आज ट्विटर पर पूरी दुनिया में अभिव्यक्ति का सबसे मुखर माध्यम बन गया है। राजनेता से लेकर जनता और उद्योगपति से लेकर मजदूर तक सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर @ और / की मदद से आप सिर्फ 140 अक्षरों में दुनिया में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। साल 2006 में शुरू हुई माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर आज एक बार फिर चर्चा में है। टेस्ला कार से लेकर स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना कर चुके अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने उसी ट्विटर को खरीदने की पेशकश की है, जिसके वे हमेशा से आलोचक रहे हैं। मजेदार बात यह भी है कि एक मस्क ने अपनी इस पेशकश की जानकारी भी ट्विटर पर ही दी है। मस्क की यह दिलचस्पी ट्विटर की ताकत को बयां करती है। आज ट्विटर पूरी दुनिया में अभिव्यक्ति का सबसे मुखर माध्यम बन गया है। यह राजनेता से लेकर जनता और उद्योगपति से लेकर मजदूर तक सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है। कंप्यूटर कीबोर्ड पर बीते 4 दशकों से मौजूद @ और / की मदद से आप सिर्फ 140 अक्षरों में दुनिया के किसी भी कोने से अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। आप @ की मदद से छत्तीसगढ़ के सुदूर गांव से भी सीधे प्रधानमंत्री तक अपनी बात या शिकायत पहुंचा सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर की पैदाइश लगभग एक ही साथ की है, लेकिन जहां फेसबुक ने शुरुआती सफलता हासिल की, वहीं ट्विटर की ताकत को समझने में लोगों को कुछ समय लगा। हैशटैग की 4 आड़ी और तिरछी लाइन आपके कंप्यूटर कीबोर्ड में तो बरसों से थी, लेकिन इसकी असली ताकत ट्विटर ने पहचानी। ट्विटर के पहले हैशटैग बटन का इस्तेमाल टेलीफोन में नंबर बताने के लिए किया जाता था। आप इस हैशटैग की मदद से एक जैसी सोच वाले दुनिया भर में असंख्य लोगों से जुड़ सकते हैं। इसी हैशटैग ने बीते एक दशक में अरब से लेकर यूरोप तक और ब्राज़ील से लेकर भारत तक कई क्रांतियों को जन्म दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।